नमस्कार। आज मैं दो तरह की साबूदाना बड़ा बनाऊंगी और ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ और बहुत कम घी में बनाएंगे। तो यहाँ पे साबूदाना मैंने लिया है 150 ग्राम और इसको भीगने के लिए रख दिया था, भिगा दिया था पानी में लगभग 2 से 3 घंटा के लिए। उसके बाद इसका पानी जो है ड्रेन कर लेंगे। ध्यान रखें कि साबूदाना जब भिगोएंगे तब इसको आप भिगोने से पहले 2-3 पानी में अच्छे से धोने के बाद भिगोना है। उसके बाद ये 2-3 घंटे के बाद अच्छे से फूल जाता है। अभी हम इसमें लेंगे उबला हुआ आलू 2। आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर की सहायता से आप इसको मैश कर सकते हैं या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें गुठली वगैरह ना रहे, तो अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद धुली हुई जो साबूदाना है इसमें हम डाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, यहाँ पे मैं डालूंगी अदरक कुटी हुई 1 चम्मच। अदरक को दरदरा कूट लेना है और 1 से 1.5 चम्मच डालना है इसमें। इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है मूंगफली भुनी हुई पाउडर लेना है। मूंगफली को आपको रोस्ट कर लेना है, उसके बाद इसका दरदरा जो कूटा हुआ पाउडर बना लेना है। तो ये पाउडर जो है आपको 2 से 3 चम्मच लेना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सेंधा नमक। हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए आप सेंधा नमक डालें, और अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाला है इसीलिए मैं हरी मिर्च और जो जीरा है मैंने स्किप कर दिया है। आप चाहे तो इसमें छोटी छोटी पीसेस में कटी हुई हरी मिर्च और जीरा जो है 1 चम्मच डाल सकते हैं, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए ये मिक्स हो चुका है, बैटर जो है रेडी है बड़ा बनाने के लिए। हम 2 तरह की बड़ा बनाएंगे, एक जो है राउंड शेप में और एक जो है टिक्की का शेप में। तो पहले जो मैं बॉल वाला बना रही हूँ, तो इस तरीके का नींबू का साइज का बॉल बना लेना है आपको। तो ये वाला बड़ा जो है एकदम कम तेल में बनता है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी या तेल में बना सकते हैं आप। तो ऐसे बॉल जो है हम बना लेंगे। तो सारे बॉल मैंने बना लिया है। तो इसी तरीके से दूसरा जो है ऐसे ही बॉल बना लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको चपटा कर लेना है और किनारे से घुमाते हुए इसको टिक्की शेप में दे देंगे। तो इस तरीके की जितना भी हमें बड़ा बनाना है सभी हम तैयार करके रख लेंगे। तो मैंने बॉल भी बना लिया है और इधर टिक्की का शेप में भी बना लिया है, तो दोनों शेप में मैं तैयार करके रख लूँगी। तो आप भी इसी तरह पहले तैयार करके रख लीजिए। तो दोनों तरीके का जो साबूदाना बड़ा है तैयार करके रख लिया है मैंने। तो यहाँ पे पहले मैं एपी पैन में बनाऊंगी, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। तो एपी पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है और इसमें जो बॉल था इसको एक एक करके डाल देंगे, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें। आप चाहे तो इसको ढक्कन लगा के पका सकते हैं या फिर ओपन भी, ये जो खुली हुई है खुली हुई भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे जो टिक्की शेप का मैंने बनाई थी इसको मैं फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। फ्राइंग पैन में 1 चम्मच घी डाल देना है, उसके बाद एक एक करके ऐसे रख लेंगे और सेकेंगे अच्छे से। तो दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको भी सेकेंगे। तो अभी हमारा जो एपी पैन में जो बन रहा है उसको देखेंगे, तो एक तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी होने लगा है, तो इसके घुमाते हुए ऐसे सेकेंगे।
तो इस प्रोसेस में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा। मीडियम आंच में आपको सेकना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है। तेज़ आंच करेंगे तो एक तरफ जल जाएगा और दूसरी तरफ जो है अच्छे से नहीं पकेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि मीडियम आंच ही रखना है और ऐसे घुमाते हुए आपको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, मतलब सेक लेना है। तो ऑलरेडी ये सीख चुका है और टोटल मुझे टाइम 6 से 7 मिनट लगा है। तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अभी हमारा जो टिक्की है ये कैसा है हम देखते हैं कि ये भी एक तरफ से थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, तो इसको भी पलट देंगे। तो इसको भी हम दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। इसको भी आप मीडियम आंच ही रखें और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक ही पकाएं इसको। तो आप बहुत कम घी या तेल में बना सकते हैं। आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी डाल के बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो तेल डाल के बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे आप पलटते हुए सेक लेना है। लगभग ये भी सेम टाइम ही लगेगा 5 से 7 मिनट के लिए। और ध्यान रखना है कि आँच को जो है मीडियम ही रखना है आपको। तो मैंने इसको भी सेम टाइम ही लगा है मुझे। तो अभी टिक्की शेप का और बॉल शेप का, दोनों शेप का बड़ा जो है रेडी है और एकदम क्रिस्पी बनी है अंदर से सॉफ्ट। आप भी बना करके देखिए ये वाला बड़ा और टिक्की। तो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।